हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की नई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद आप लोग को पसंद आएगी तो चैनल में ऐसे बने रहिए और आप लोग के प्यार देते रहिए। देर ना करके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला वाला टिप्स ये है प्याज को लेकर है। घर पर हमारे अक्सर प्याज हम तरह तरह के काम पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाने में इस्तेमाल करते हैं और बाल में लगाने में इस्तेमाल करते हैं, शरीर में लगाने के, फेस में लगाने के, बहुत ही सारे काम पे प्याज का नुस्खा काम आता है। तो आज मैं प्याज का बहुत ही अच्छी वाली टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्याज ले आई और इसको हाफ कट में कट कर ली, ज़्यादा नहीं, मुझे जितना भी चाहिए, इतना थोड़ा सा मुझे चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने काट ली और इसकी छिलके निकाल दी। तो इस सारे प्याज को, इसकी पंखुड़ी को अलग अलग करके निकाल देती हूँ। तो ये प्याज की इस्तेमाल बहुत ही अच्छी जगह पे हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले आई एक सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन में देखिए प्याज को क्या करेंगे, इसकी पंखुड़ी को सेफ्टी पिन में गूँथ लेंगे, सेफ्टी पिन में डाल देंगे। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको डालेंगे, जैसे कि ऊपर नीचे करके इसको डालेंगे। डालने के बाद इसको जितना भी चाहिए आपको, अगर छोटा वाला सेफ्टी पिन है तो 2-3 जाएगा, ये थोड़ा बड़ा वाला सेफ्टी पिन है तो 4-5 पंखुड़ी हो जाएगी इसमें। तो चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसकी मैंने ये सेफ्टी पिन को बंद कर ली, ऐसे ही रखना है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं आई किचन की हमारी विंडो के पास, ये विंडो के पास यहाँ पे नेट लगा हुआ है। तो ये नेट के पीछे अक्सर मेरे यहाँ पे बहुत ही छिपकली होते हैं, मतलब इतना कि वो नेट के पिछले वाले भाग में वो इतने वाले छिपकली चिपक के रहते हैं। जब नीचे में खाना बनाती हूँ तो डर होता है ये चिपकली पोटी वगैरह ना कर दे। तो देखिए प्याज की खुशबू ऐसी होती है तो इसमें कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो यहीं पर जो नेट लगा हुआ है इसी के पास में ये सेफ्टी पिन को लगा लेती हूँ, ताकि प्याज की जो खुशबू है वो उस खुशबू की मदद से ये चिपके ना रहे। ये अक्सर क्या होता है, मेरे नेट के पीछे चिपक के रहते, जैसे मुझे लगता नहीं को लेकर है ग्लास में पानी डाले। तो जब भी देखिए ग्लास में पानी डाल के हम पीते हैं, पीने के पहले एक काम हमें ज़रूरी करना चाहिए। जब भी हम तबीयत खराब होती है, जैसे कि हमारे गले में दर्द होती है, सबसे बड़ी साइन होती है गले में दर्द होना। हमारे तबीयत को कुछ भी होता है तो गले में पहले दर्द होती है। तो कभी भी हमें बहुत ही ठंडा होकर गले में दर्द होती है, बहुत ही गर्मी की वजह से होती है, जिस जगह पर मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमिडिटी कम है, तो उस जगह पर भी हमें तो गले की दर्द होती है। जैसे कि पहाड़ के इलाके में गले में बहुत जल्दी दर्द होती है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए पेट गर्म होने में भी हमारी गले में दर्द होती है, कुछ भी होती है गले में दर्द होती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, ग्लास में पानी लाएंगे, पानी पीने से पहले इस पानी को चाकू की मदद से काट लेंगे। तो पानी को चाकू की मदद से काटने से ये पानी में क्या होता है इसका लॉजिक तो पता नहीं है, लेकिन जो ये पानी पीने के बाद हमारी गले की जो दर्द होती है वो अच्छी हो जाती है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ा काट लेंगे, 4-5 बार काट लेंगे। ये दादी नानी की नुस्खा है, आजकल ये कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो हम कुछ भी होता है तो दवाई की ओर भाग जाते हैं, तो दवाई खाते हैं, बहुत सारी बीमारी को लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी ये दादी नानी की नुस्खा ना हमें बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारी से बचाती है और कुछ भी पैसे लगते नहीं। ये आई होप ये छोटे ये दवाई की बॉटल को लेकर है। अक्सर दोस्तों ये होता है कि दवाई की बॉटल हम जितना भी टाइट देते हैं उसमें लीकेज रहती है। देखिए उसकी जो हम ये लॉक खोलने के बाद यूज़ करने के बाद दवाई की बोतल हमेशा थोड़ा बहुत लीकेज रहती है। लीकेज चलता है जब घर पर हम खड़े में रखते हैं, लेकिन जब भी हम देखिए इस तरह से घर पे अगर रबर के बैंड होती है तो बैंड हम इसके लगा देंगे, जो पतला पतला रबर होते हैं, इलास्टिक होती है। करने का कारण ये है कि अगर घर पे रखते हैं तो ऐसे ही खड़े में रख लेंगे, कोई बात नहीं। अगर हमें कहीं पे ट्रैवल में जाना है तो दवाई बच्चों को लेकर जाते हैं तो दवाई तो ज़रूरी लेकर जाते, कुछ भी ना ले दवाई तो पहले हम अपने बैग में डालते। अक्सर क्या होता है ना, जितने भी ठीक से डाले ना वो दवाई गिर जाती है और पूरा लीकेज होकर पूरे बैग में फैल जाती है। और दवाई की टिप्स ये है मैचेस बॉक्स को लेकर है। मैचेस बॉक्स की प्रॉब्लम ये है कि 2-3 यूज़ के बाद, देखिए मैचेस बॉक्स की 2-3 यूज़ के बाद क्या होता है ना, हमारी साइड में जो बारूद होती है वो घिस के ना काम नहीं करती है। अक्सर ये होती है बारिश के दिन में, धूप में दिन में नहीं होते, बारिश और ठंड के दिन में, ये ठंड की वजह से ऐसे होता है और नमी पकड़ लेती है तो ये काम नहीं करता है। तो माचिस बॉक्स को हम रखने की थोड़ी अच्छे से जुगाड़ लगाएंगे। हमारे घर पे जो भी बॉटल है, कांच की बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, कुछ भी कंटेनर है, हमेशा माचिस बॉक्स हम इसके अंदर डालने चाहिए। ये है तो बहुत छोटा सा, लेकिन हमेशा हर काम में हमें माचिस बॉक्स
चाहिए होता है और ठीक टाइम पे ये मिलता भी नहीं। इस तरह से रखेंगे ऑर्गेनाइज करके मिल जाएगी और इसकी बारूद खराब नहीं होगी और जलाने पर चल जाएगी। चलिए देखते थे नेक्स्ट वाला। जब भी हम चावल बनाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि चावल चिपक जाती है हमारी और चावल बहुत ख़राब हो जाए तो बहुत ही पक जाती है। तो चावल बनाने का एक ट्रिक्स ये है, जब भी हम चावल बिठाए 10 मिनट बाद हम चावल में थोड़ा सा विनेगर डाल देते, नहीं तो नींबू का रस डाल देते। इसकी वजह से चावल हमारी